स्लॉटर हाउस है, ये पूरा स्लॉटर हाउस है, पूरा स्लॉटर हाउस है ये। हाँ, तो लगभग 4.5 एकड़ जमीन है। अच्छा, तो okay. वो दीवार का कोना दिख रहा है? हाँ। वो कोना है और वो जो गेट से घुसे अपन वो। अच्छा, तो नदी के नजदीक जाना होगा तो कैसे जाएंगे? यहाँ से जाएंगे। कभी का 35 साल हो गए। 35 साल हो गया स्लॉटर हाउस की बिल्डिंग की चालू नहीं हुआ। देखो सर, पूरी तैयारी हो गई थी लेकिन कभी चालू नहीं हुई, जिसको धोखादायक हो गई ये। अच्छा, 35 साल हो गया इसको। और ये पूरी गंदगी जो मैं फोटो डाला। नितेश जी, आपका कौन है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट? कौन है स्वच्छता कौन है? ये पूना कोर्ट ने इसको पूरी तरीके से बंद रखी, जब तक कोई फैसिलिटी नहीं हो जाती। ये देख लो गंदगी। Oh my God. खामवारी नदी स्लॉटर हाउस एरिया हम देख रहे हैं, इतनी बदबू है कि कोई चल नहीं सकता, इतना पूरा गंदा। ये देख रहे हैं स्लॉटर हाउस की हालत। नितेश जी, क्या बताने का है बताओ, अपने इसको बुलाइए जरा, वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। कौन है वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का? हाँ, जरा बुलाना। इतनी गंदी, यहाँ पे कोई खड़ा नहीं हो सकता, इतनी बदबूदार है। ये देखो, ये पूरा स्लॉटर हाउस एरिया। ये रही कामवारी नदी स्लॉटर हाउस एरिया के नजदीक। ये देखो पूरा किस तरीके से। बाप रे, ये देखो, जब पाबंदी है तो ये सब चीजें आकाश के लिए, आप देख सकते हैं। स्लॉटर हाउस बंद है और ये देखिए किस तरह से ये सारा गंदगी। ये सब इतना, ये देखिए यहाँ नदी है, ये सारा यहाँ पे इतना गंदगी है। ये देखिए क्या हालत है पूरा। ये देखिए सब, हम लोग अभी कामवारी नदी पर है, भिवंडी में स्लॉटर हाउस एरिया। कितनी गंदी हालत है। आप जरा बुलाओ, अरे अपना ये लेके आओ जरा, बैनर ला बैनर। और वो कहाँ गई वो मैडम को, सोजना मैडम को बुलाओ पहले। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले कहाँ हैं? हाँ, बड़ा अजीब है भाई, कैसे आप लोग जीते हो यहाँ पर? हाँ, ये आप लोग यहाँ ही रहते हो? हाँ, कैसे जीते हो ऐसे सब कंडीशन में, इतना गंदा, इतना गंदगी? हाँ, कैसे जीते हो आप लोग? और ये नदी की भी हालत इतनी गंदी हो चुकी है। नितेश, आप खुद बताओ अभी कि ये क्या है, ये क्या सिचुएशन है, आपका डिपार्टमेंट कर क्या रहा है? हाँ, जानवर देखो कैसे नाले में। हाँ, देखो ऐसे जानवर, हाँ जानवर भी फेंक पड़े गए। वीडियो डाला था ना ये, देखो हाँ जानवर पड़े गए। हाँ, तो आप सामने आइए ना, अंदर सब पब्लिक है। आपके इसमें ये नहीं है, फेसबुक का नहीं है? बिल्डिंग है, ये तो बहुत ही विचित्र कंडीशन है भाई, बहुत बहुत गंदा सिचुएशन है कामवारी का। पूरे पूरे यहाँ पर चर्बी और ये सब सब डाला हुआ है, ये भी गंदी है। ये रही कामवारी का महीना, यहाँ जल रहा है एक एक, ये देखो यहाँ एक भरा हुआ पड़ा है, उसको जला रहे हैं। एक जानवर यहाँ पड़ा है, यहाँ एक भरा हुआ जानवर लाके डाला हुआ है। बताइए चौधरी साहब कि क्या है ये? ये आपका ज्यूरिडिक्शन है भिवंडी कॉरपोरेशन का, कभी कोई आया? कल कमिश्नर को लाके दिखाइए ये सब चीज़ें। हाँ, कौन है ये सब एरिया का इंचार्ज? कौन है? मैं तो अपने सुनाव नहीं, और पटनावर
तो सुनावने का नंबर दीजिए आप, सुनावने को जरा बुलाइए ना, आज तो ड्यूटी आ रहे हैं। डिपार्टमेंट का भी काम है। हाँ मार्केट का, हाँ मार्केट डिपार्टमेंट की। फिर क्या करते हैं ये लोग? ये सबका ही काम है। क्या करते हैं फिर ये? उन्होंने परमिशन दिया है, पूना कोर्ट से सलाटर हाउस बंद करा दिया गया है। हाँ? और इनको बोले कि तुम करते रहो। हाँ? हाँ, आओ उधर कसाईवाड़े के अंदर जानवर काट रहे हैं। हाँ? सैकड़ों यानी 300-400 जानवर रोज काट रही है, उसका ही ये सब आ रहा सामान। ये उधर से इधर आता है और ये सलाटर हाउस बंद है और वो पूरा खून कामवाली नदी में ही जाता है। जो जहाँ पे जानवर काटा जा रहा है ना, वो कारपोरेशन के 100 मीटर के दायरे में है, जो बिना अवैध तरीके से काट रहे हैं। पूरा प्रदूषण इसके अंदर खाड़ी में आता है, कामवाली नदी में आ रहा है घूम के। बहुत गंदी हालत है, बहुत गंदी। क्या बोलोगे, इससे गंदी जगह तो दुनिया में कहीं नहीं होगा। हाँ ये कामवारी की हालत है, उसके अंदर भी मुझे लगता है जो मरे हुए पड़े हैं तभी जाके ऐसे इतने ये है। माय गॉड, बहुत भद्दा हालत है, बहुत भद्दी कंडीशन है। हाँ आ जाओ, आ जाओ, फोटो खींच। मैडम बताओ, ये देखो, हाँ तिथे मेले ले किती पडले ते बघा तुम्ही, काय आजपर्यंत इथे आले नाही का? किती वेळा यांनी टाकले ना ग्रुप मध्ये स्लॉटर हाऊस चा, हा आपण बघत नाही का की काय आहे हे सगळं? हाँ काय सांगावं लागेल, हे किती किती बेकार। हा आज जर आपण BNCMC आणि प्रदूषण मंडळला इथे आणलं नाही तर तुम्ही बघितलंच नाही। बघा तुम्ही दोघांना शॉक वाटते, म्हणजे याचा अर्थ कधी बघितलंच नाही। आम्ही बार बार ग्रुपमध्ये टाकतोय याबद्दल, पण याच्या काय काय परिस्थिती आहे। माय गॉड, मला बघून सुद्धा कसं तरी। दुनिया में अगर नरक किसी को देखना होगा तो यहीं देख के आ जाएगा वो तो भाई। हाँ इतनी बेकार हालत है। सजना मैडम आप बोलो क्या एक्शन लोगे, सबसे पहले बोलो क्या एक्शन लोगे। हाँ यहाँ खड़े रहो, क्योंकि आप इनकी ज़िंदगी जो इतने दिनों से है, इनके बारे में हम क्या सोचें फिर? ये जो विषय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो तर पण तुम्हाला आम्ही जेव्हा टाकलं तुम्ही त्यांना दिलं का पत्र की असं याच्यात स्लॉटर हाऊस बद्दल याच्या इकडचा? इमिडिएटली तुम्ही याच्यावर ऍक्शन घ्या आणि जो जो रिलेटेड इकडे ऑफिसर आहे त्याला दो लेटर दो, जिसके ऊपर अभी तक एक्शन नहीं हुआ। दो लेटर मैंने इसके लिए दिया था कि यहाँ गलत तरीके से। चला या मी दाखवते तिकडे, ये पुढे या, पुढे या, जानवरला टाकलेला आहे डायरेक्टली आणि इथे हे तुम्ही आता लगेच तुम्ही फोन लावायला पाहिजे आरोग्य अधिकारीला, बोलवा वेस्ट मॅनेजमेंटला, बोलवा या मार्केटवाल्याला, बोलवा। इतके सारे अधिकारी होऊन पगार घेतात आणि त्यांचा काय उपयोग मला सांगा जरा। हां हे बघा इथे, बघा इथे, बघा इथे एक मेलेला तिथे दुसरा मेलेला पडलाय, बघा जरा। हां ही परिस्थिती आहे। हे गाडी लोक का ते का काम पुढे? हां हे खुद नाही खडे हो पा रे, बताओ। हां ये हालत है यहां की। नोटिस दो कॉर्पोरेशन को, मैंने दो लेटर दिया है, लगे तो मैं लेटर की कॉपी आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया। का हाल है बच्चा, पकड़ जरा वो तो पूरा इंक्रोचमेंट का भी पार्ट है ये सब। इधर ये दीवार के इस तरफ आए कैसे? हाँ ये सब क्या जला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब चीजें क्या करते हैं ये वाला? चमड़ी जला, चर्बी बना रहे, चर्बी बना रहे हैं। अच्छा तो ये सब चर्बी बनाने की जगह है, मतलब ये सब फिर कैसे अलाउ हो रहा है? ये इसके अंदर सबके चमड़े रखे, जानवर के चमड़ा रखा गया है सब वो। देखो ऊपर बाथरूम के ऊपर भी सुखाया जा रहा है। कहाँ? देखो बाथरूम है, नगरपालिका ने 18 लाख की बाथरूम बनाई थी जो पब्लिक के इस्तेमाल में नहीं आ रही है, वो लोगों के इस्तेमाल में आ रही है। सुन लीजिए BNCMC कहाँ है, कहाँ गए? नितेश जी आप सारा कुछ इन्फॉर्मेशन ले लो इधर से पहले। अभी हम देख रहे हैं हमारे साथ में यहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग भी है और BNCMC के भी रिप्रेजेंटेटिव है, सोजना पाटिल, SRO मैडम और ये सब कोई है, यहाँ की पब्लिक है, सब कोई है। और आप देखिए कि क्या हालत है। वो लोमटे, तुम्हारे लोमटे को जरा बुलाओ, उसका सैंपल भी ये करने को लगाओ। और नितेश ये जो बिल्डिंग है बोलते हैं BMC का है, तो ये BMC का अगर ये है बिल्डिंग है, BMC का है ये जो बिल्डिंग है, उसका क्या उपयोग फिर अगर ऐसे अगर वो है? ये BMC का है, वो BMC का है, वो गोदाम BMC का है, वो BMC का है, सबने BMC ने 2005 में करोड़ रुपया खर्चा करके। मैडम तुमचे लोमटे का येत नाही आपल्या सोबत आणि सैंपल कलेक्ट का नहीं करत है? हां ते नुसतं टाइमपास करायला फिरताय का आपल्या बरोबर? मैडम हां असं करून करून काही काम झालेला नाही। बोलो जेंट्स का
क्या चल रहा है? ये हालत है कामवारी की जो सारी इस तरफ का जो है ये सब क्या है इल्शा? ये जो है ये क्या है ये सारे? ये लूम है और हाँ। कुछ जगह भी देखो केमिकल कंपनी है हाँ। वो जो पावर टावर दिख रहा है मोबाइल हाँ। टावर इसके अंदर केमिकल रखे देखो काला काला जो बह रहा है वो केमिकल कंपनी का बह रहा है और इसमें भी जींस के कारखाने सब चालू किए बहुत जगह। देखो साइजिंग देखो नई नई साइजिंग ये चालू हो रही है। देखो ये ऐसी नई साइजिंग इधर चालू हुई है। देखो उधर पीछे चालू हुई है देख सकते हैं कितने दिलचस्प। तुम इधर आ जाओ। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर है। देखिए अरे तुम लोगों को क्या लगता है अरे ये जो इतना गंदा है ये अच्छा अच्छा होना चाहिए कैसे होना चाहिए? हाँ कैसा होना चाहिए ये जगह? अच्छा होना चाहिए। ये जो ये नदी के बारे में जानते हो? कामवारी नदी के बारे में उसको जरा उल्टा कर बच्चा उल्टा घुमा। हाँ तो ये कामवारी नदी के बारे में जानते हो तुम लोग? हाँ ये नदी जो बह रही है तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया होगा ना कि नदी को स्वच्छ रखना चाहिए कुछ करना चाहिए? पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं। तो ये नदी के इधर जो ये हालत है ये आपको दिख रहा है? तो क्या करना चाहिए आपको लगता है इसका क्या करना चाहिए? साफ करना चाहिए। कौन करेगा साफ? कौन करना चाहिए साफ? सरकार ने सरकार और हम सब मिलके साफ रखना है। अभी तुमको वो जो अंकल है ना उनको बोलना है बोलो साफ करो इधर। ये जो आए हैं ना ये वाइट शर्ट वाले उनका काम है ये फील्ड ऑफिसर है उनको जाके बोलो चलो उनको जाके बोलो सब जाओ बोलो अंकल यहाँ पे हमको साफ करके चाहिए ये जगह बोलो। हाँ लोमटे जी आपसे बात करने आए हैं बच्चे क्योंकि आप गाड़ी के अंदर बैठने में पसंद कर रहे हो आप फील्ड ऑफिसर हो तो आपको यहाँ पे आके पहले सैंपल कलेक्ट हमसे पहले आपको पहुँचना है। सैंपल कलेक्ट कीजिए ज़रा पानी का नमूना लीजिए यहाँ से। आप गाड़ी में बैठे हो आपको क्यों न्योता देना चाहिए? आप ज़रा पहले यहाँ पे सैंपल कलेक्ट नहीं किया आज तक? आपने किया है नहीं किया है? आपने अभी तक सैंपल यहाँ का कभी कलेक्ट किया है नहीं किया है? हाँ क्यों नहीं किया कभी भी? आपको तो जब ग्रुप के ऊपर आप लोग हो आपके मैडम है आपके सर हैं आप लोग को बताया गया है कि यहाँ का सैंपल लो आप लोगों ने देखा ही नहीं है। आज आप लोग को चांद तारे नजर आ रहे हैं। आधीस यून तुम्हें कलेक्ट करायला पाइजे होता ना सैंपल काय विचित्र परिस। हाँ अभी आप लोग बचाओगे इसको? आप लोग बचाओगे? पहली बात तो जो सलाटर जो भिवंडी शहर में जो अवैध तरीके से सलाटर चल रहा है निजामपुरे में कसाई बाड़े में कारपोरेशन की रेख देख में कारपोरेशन के 100 मीटर के दायरे में। नीतीश जी आप अपने ऑफिसर्स को बुलाइए जरा पहले उसको सील किया जाए। पहले सबसे पहले उनको बुलाइए उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और मैडम आप बिल्कुल एक सीरियस और स्ट्रिक्ट लेटर लिखिए जरा बीएमसी को। हाँ ये इतने छोटे छोटे बच्चे ये लोग के ऊपर क्या ये असर पड़ता होगा जरा बताना। हाँ यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो ऐसे कैसे सिचुएशन में रहते होंगे? हाँ मैं आपको दो आप रे इतना बेकार हालत है। आप उसके ऊपर एक इनको नोटिस जारी करो इनको सील करो कसाई वाड़ा बंद करो। तुमचे मैं फील्ड ऑफिसर करतात काय त्यांचा काय काम है त्यांची अकाउंटेबिलिटी काय? हाँ जर काही करत नाही आहे असं आज पहिल्यांदा बघतायत म्हणजे काय करतात ना? इथे जर त्यांची ज्युरिस्डिक्शन आहे कामाची तर इतकं आपण ग्रुपवर टाकतोय लिहितोय सर्व तरी बघत नाही आहे सगळं गोष्टी आणि नुसतं जाऊन इकडे तिकडे म्हणजे ह्या इंडस्ट्रीवाल्यांशी दोस्ती करायचा त्यांच्या उलटा ऍक्शन घ्या त्यांच्यावर कारवाई करा इथे येऊन कारवाई करा ते नाही आपण असं सगळं देख सकतो मॅडम किस तरह सोच नाही सकते आज की इतनी भद्दी हालत आहे।